टेंथ का हमने मॉक पेपर बनाया, उसका 15 क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो जिस तरह से सीबीएसई बोर्ड की ये रिक्वायरमेंट है कि काफी सारे क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी बेस्ड आने वाले हैं, तो ये उनमें से एक क्वेश्चन है। व्हेन ए मार्बल इज ड्रॉ फ्रॉम एन इनिशियल हाइट 3 मीटर्स विद एन इनिशियल स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड, द हाइट ऑफ द मार्बल एट टाइम टी इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस फॉर्मूला। क्या है हाइट एट टाइम टी? इज VT माइनस 2T² + D। ए मार्बल इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 40 मीटर, तो डी जो है वो 48 लेना है, क्योंकि हाइट डी से अगर ड्रॉप किया तो इस इक्वेशन में जो डी है वो क्या लेना है, 48। डी की वैल्यू 48, वी स्पीड 10। वेलोसिटी कितनी है बेटा, 10 10 T -2T स्क्वायर टू टी स्क्वायर, ठीक है, ध्यान से पढ़ लेना। हिट द ग्राउंड, तो हिट द ग्राउंड मतलब उसकी हाइट क्या होगी फिर, जीरो इक्वल्स टू जीरो। हिट द ग्राउंड मतलब हाइट क्या होगी बोलो, जीरो। तो ये दिमाग लगाना था आपने, डी मैंने 48 क्यों लिया, समझ गए? ड्रॉप फ्रॉम एन इनिशियल हाइट डी, डी को इसने इनिशियल हाइट बोला, तो इनिशियल हाइट डी मैंने 48 ली, जहां पे फॉर्मूले में डी था वहां 48 पुट किया, और स्पीड क्या थी फॉर्मूले में, 10 मीटर। तो जहां पे स्पीड है वी है ना, वी का मतलब ये वेलोसिटी, वहां 10 पुट कर दिया। कह रहा कितना समय लगेगा कि वो ग्राउंड पे आ जाए, ग्राउंड पे आएगा तो हाइट एट ए पर्टिकुलर टाइम जो है वो जीरो हो जाएगी, मतलब आपकी क्वाड्रेटिक बन गई। ये क्वाड्रेटिक क्या बनी बोलना, -2T² +10T। बेटा इस तरह क्वेश्चन पिछली बार बोर्ड में केस स्टडी बन के आया, अगर आप देखना, इसलिए मैं ऐसे ऐसे डाल रहा हूँ क्वेश्चन, बहुत ही कम बच्चे सॉल्व कर पाए, लेकिन करनी ऐसी प्रैक्टिस। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है बेटा, 16 और 6 में, हाँ, तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, माइनस का 96। तो बताओ माइनस का 96 कैसे बनेगा? अरे बन गया ना, माइनस का 2T² + 16T -60, ठीक है ना, 16 में से 6 गए 10 होता है, 10 का 10। अब बताओ क्या कॉमन लूं, अगर तो मैं -2T कॉमन लेता हूं, अंदर क्या बचेगा बोलो, और अगर मैं -6 कॉमन लेता हूं, तो तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी -T -8 -2T-6। अब दो ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट जीरो है, या तो पहली ब्रैकेट जीरो होगी T8 आ गया, या दूसरी ब्रैकेट जीरो होगी, तो T नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं, इसको रिजेक्ट करके आना, तो T आएगा 8 सेकेंड, 8 सेकेंड के बाद मार्बल नीचे ग्राउंड को हिट करेगा, ठीक है जी, समझ आ गया अच्छे से।